देखिए नागिन 4 में क्या होगा, नन ऑफ अस कैन रियली टॉक अबाउट इट, क्योंकि नागिन 3 इतना चला जितना नागिन 1 और 2 दोनों में ला के चले थे. तो मुझे पता नहीं कि नागिन 4 में हम लोगों को मौका मिलेगा या नहीं दोबारा, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो आई नो वी ऑल गोइंग टू जंप एट इट, बिकॉज द टीम वॉज ब्रिलियंट, वी हैड अ फैंटास्टिक टाइम, एवरी वन हैड सच ग्रेट कैमराडरी विथ ईच अदर, सच ग्रेट केमिस्ट्री विथ ईच अदर. तो आई थिंक फैंस को प्रेशर बनाना चाहिए कि एकता जी को नागिन 4 में हम इनको लेना चाहिए. एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू, आई डू गेट आउट, बट इट्स जस्ट दैट आई एम अ लिटिल टाइड अप विथ माय ओन लाइफ व्हेन इट कम्स टू, आई थिंक एक्ट्रेस से ज़्यादा अब मैं हाउसवाइफ बन गई हूँ, तो फिर हाउसवाइफ्स को घर से बाहर निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, दैट्स द रीज़न व्हाई आई डोंट गेट आउट मच. आई थिंक एन अवार्ड इज एज गुड एज अ रिवॉर्ड फॉर एन एक्टर. जब आपको अपनी काम के लिए अगर सराहा जा रहा है, इफ समवन इज अप्रिशिएटिंग योर वर्क, दैट इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड एनी एक्टर कैन गेट, एंड देयरफॉर आई थिंक अवार्ड्स आर ऑलवेज वेलकम. सो एनी वन एल्स हू वॉन्ट्स टू गिव अवार्ड्स टू मी, आई एम अवेलेबल. थैंक यू मैम.